गुड मॉर्निंग बच्चों बच्चों आज हम एक नई एक्टिविटी करने जा रहे हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो, कुकिंग विदाउट फायर, यानी कि बिना आग इस्तेमाल करे, बिना गैस इस्तेमाल करे कुछ हम खाने पीने की चीज़ बनाएंगे, जिसका नाम है वाटरमेलन कैंडी। ठीक है बच्चों, अब ये वाटरमेलन कैंडी मतलब कि तरबूज की आइसक्रीम। इससे पहले हमने कुकिंग विदाउट फायर में, आपको पता है जब स्कूल खुले हुए थे तो हमने बनाया था भेलपूरी और सैंडविच। आज हम बनाएंगे तरबूज की आइसक्रीम, वो जो स्टिक में मिलती है इन दिनों, क्योंकि बाहर की चीज़ें खाना ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। देखो इधर, आइसक्रीम कैंडी, तरबूज कैंडी बनाने के लिए हमें चाहिए तरबूज और 1.5 चम्मच चीनी। बस इससे 2 आइसक्रीम बन जाएंगी इजीली। उसके लिए आपको करना क्या है, इधर ध्यान दीजिए। इस एक्टिविटी को पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के सभी बच्चे कर सकते हैं और इन्जॉय तो इसको सभी करेंगे। ये देखो मेरे पास चम्मच है, चम्मच से पहले मैंने इसके बीज निकाल दिए तरबूज के, और अब इसके हम इस तरीके से इसको हम निकालेंगे, यहाँ से अलग कर लेंगे इसका रेड पोर्शन, ये गूदा है जो। ये देखो बच्चों, मैंने ये आइसक्रीम के लिए तरबूज बीज निकाल के इसको अलग कर लिया है, और अब इसको मैं कद्दूकस करूँगी। वैसे तो हम इसको चॉपर में या मिक्सी में डाल के कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं सबके घर मिक्सी हो। इससे इस तरह से हम इसको कद्दूकस करेंगे। ये देखो बच्चों, ये मैं इसको कस चुकी हूँ, कद्दूकस कर लिया है, और इसका सारा पल्प, सारा जूस निकल के हमारे पास आ गया है। ठीक है, ये देखो बच्चों, ये जो पल्प था, ये जो जूस निकला है कसने के बाद में, कद्दूकस करने के बाद, मैंने इसको इस तरह से चाय छानने वाली छलनी में डाला और स्पून से इस तरह से हमने इसको निचोड़ लिया। देखो बच्चों, इस तरह से मैंने इसको पूरा इस तरह से चम्मच से सारा जूस निकाल दिया है। बस इसका जो रेशा है वो नहीं जाना चाहिए हमारी आइसक्रीम में, हमें यही ध्यान रखना है। ये हमने जूस निकाल लिया है, और क्योंकि मेरे पास अब इन दिनों ऐसा कुछ नहीं है, आइसक्रीम के जो वो स्टैंड होते हैं वो मेरे पास नहीं है, तो ये छोटी सी गिलासी है आइसक्रीम जमाने के लिए, मैं इसी में आइसक्रीम जमाऊँगी। इसके लिए मैं क्या करूँगी, ये देखो बस, जो हमने जूस निकाला है तरबूज का, ये हमने इसके अंदर डाल दिया है, और इसमें हम चीनी मिलाएंगे। जितना आपको मीठा खाना हो वैसे कम ही मीठा डालिएगा। ठीक है, देखो बच्चों, जो चीनी मैंने इसके अंदर डाली थी, इस जूस के अंदर, आप देख सकते हो थोड़ा सा मेरी ही शेडो इसके ऊपर आ रही है। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको मिक्स किया जल्दी से, और अब हमें इसके अंदर स्टिक लगानी है, क्योंकि हम स्टिक वाली आइसक्रीम खाते हैं, और स्टिक इस टाइम क्योंकि लॉकडाउन है, मेरे पास, मेरे घर में कोई स्टिक नहीं है, तो हम इसमें स्टिक कैसे लगाएंगे बच्चों। ये मेरे पास वो पेपर है जिससे हम रोटी जिसके अंदर रैप करते हैं, आप इसमें पॉलीथीन भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मोटा अगर पेपर लगा के, रबड़ लगा सकते हैं अगर आपके पास ये ना हो। ये मैंने क्यों लगाया है, ताकि ये उसमें स्टैंड की तरह चम्मच लग जाए। ठीक है, हाँ, ये मैंने इसमें देखो चम्मच लगा दी है, स्टैंड के लिए लगाई है ये, ताकि जब आइसक्रीम हमारी जम जाए तो वो इस चम्मच के अंदर निकल आए और हम इस चम्मच को हाथ में पकड़ के आइसक्रीम खा सकें। अब इसको हम 2 से 3 घंटे के लिए बच्चों फ्रिज में रख देंगे ले जाके, ताकि ये हमारी तरबूज कैंडी या वाटरमेलन कैंडी जम जाए। देखो बच्चों, 2-3 घंटे हो चुके हैं, और मैंने ये पहले से बना के एक जमा रखी थी फ्रीज़र में। ये देखिए, ये हमारे पास है, अभी मैं इसको निकाल के दिखाऊँगी। ये देखो बच्चों, इसको निकालने के लिए ये कटोरी में मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, इसको थोड़ा सा ऐसे घुमाएंगे तो ये आराम से नीचे से निकल जाएगी। ये निकाल के दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो बच्चों, ये हमारी वाटरमेलन कैंडी रेडी है, खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये देखिए आप, ये देखो अच्छी है बच्चों। तो ये आप बना सकते हैं, और अगर आप चाहें इसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ सकते हैं इसको जमाने से पहले, तो थोड़ी और खट्टी और मीठी वाला फ्लेवर इसके अंदर आ जाएगा। आप सबको कैसी लगी ये रेसिपी, आप सभी बनाना और बना के इसकी फ़ोटो मुझे भेजना। ओके बच्चों।